अभी बीच में गलती की थी, मुझे एहसास हुआ ना जब मैंने सॉरी मांगी। जिस दिन आपको एहसास होगा नहीं यार आंचल से एक बार मिल के जाऊँ, और मैं तो यही कहता हूँ आप प्यार से जितना हल हो, जितना प्यार से हल हो सकता है आप जाओ एक बार फिर से आंचल से मिल लो और बात कर लो फोन। तो गाइस देखो यहाँ पे ना मैं भी धीरे धीरे सभी से मिल चुका हूँ, और अभी दो जन जो मेरे यहाँ पे सबसे ज़्यादा करीबी थे, वैसे तो बहुत सारे दोस्त वगैरह हैं लेकिन जो दिल्ली में मेरी काफ़ी हेल्प करते थे या फिर मेरे दुश्मन, ठीक है, जो मेरे खिलाफ़ थे कुछ भी समझो, तो उन सभी को मिल के मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आया हूँ उस क्या नाम है रे पता नहीं यार, अजय नाम है ना उसके लिए, तो वैसे तो वो सुधर गया है लेकिन यार चलो कुछ भी है उसे भी माफ़ी मांगते हैं कि भाई गलती हो गई, क्योंकि जिस प्यार के लिए लड़ रहा था वो मेरा नहीं हो चू नहीं हुआ, तो इसकी वजह से सारा सब अभी माफ़ी मांग के चले जाते हैं। ठीक है, तो यार अजय को तो वैसे मैंने कॉल कर ली है लेकिन एक बार और कॉल कर लेते हैं। ठीक है, आते हैं, आते हैं तब तक वेट कर लेते हैं। यार मेरे से बोला भी नहीं जाता यार, क्या बताऊँ, लेकिन एक चीज़ भाई ध्यान रखना, कभी किसी पे भरोसा मत करना। इजाजत दे तुझसे थोड़ा प्यार में। जिसको तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो ना वो ही ऐसी ऐसा धोखा दे के जाएगा ना भाई, तुम रो भी नहीं सकते। तो यार यार उसको आने दो यार, बात कर लेते हैं उसे भी आने दो। और अर्जुन भाई बुला रहे थे, बैठ भाई काम था। बता लाइफ कैसी चल रही है आज? बैग फेंक दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा, कभी मिलते हो कभी बैग नहीं होता है, आज तुम्हारे पास बैग है क्या? इतना आज उदास क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं छोड़ो ये बात को, मैं उदास क्यों वो मैं बताना भी नहीं चाहता। मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार चलो ठीक है यार, आपकी सगाई की थी तो आंचल को लेके, तो इसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं प्यार करता था आंचल से, करता था, अभी करता नहीं हूँ क्योंकि बस मैंने नोटिस कर लिया है कि वो भी मेरी नहीं है। फिर भी मैंने सोचा चलो यार भले आप मेरे कुछ भी थे लेकिन मैंने दो तीन बार मारा आपके दोस्त लोग को, मारा मैंने काफ़ी दुश्मनी ली, तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ और मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए, ये जो शक्ल कभी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसा हुआ क्या तुम्हारे, तुम लोग अच्छे प्यार करते थे मुझे समझ, करते थे भाई करते थे, अभी वो लड़की के मामले में तुमने उसको बता रखा है कि तो भी है लेकिन पता नहीं वो भी सुधर नहीं रही है, वो विश्वास ही नहीं कर रही है। तो आपके लिए ना मैं एक बार बात कर लेता हूँ। किससे? यार इतने अच्छे बंदे प्यार करते हो और फिर मैं देखो मैं खुद निकल गया तुम्हारे बीच में, तुम लोग इतना अच्छे से प्यार करते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एक इंसान मैं हार गया प्यार के बीच में, अब तुम लोगों को क्या मैटर हुआ है वो आज तक मालूम नहीं है। हाँ मैंने एक बार आंचल से ज़रूर बात की थी और तुम्हारे को ये सेल फोन के बारे में, वो मैंने आंचल को बता दिया है, अब आंचल को एक बार जाके पूछ लो और हाँ मैटर सॉल्व हो जाए तो तुम लोग खुश रहो। मैं अभी चाहता हूँ यार, अभी देखो सेल फोन के बारे में पता चले ना पता चले मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है बस अभी मैं समझो मैं जा रहा हूँ बात खला। दिक्कत क्या है, मैं हूँ ना आपके साथ, आपको कुछ भी कमी हो तो मुझे बताओ, मैं करने के आपके लिए मैं रेडी हूँ क्योंकि तुम लोगों ने प्यार किया है, मैंने तो खाली वो पाजी के भड़कावे में वो जो बोल दिया था वो बोल दिया था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, वो क्योंकि हर इंसान को गुस्सा आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। हाँ गलती मैंने की थी उसके लिए मैंने आपसे सॉरी भी मांगी, आंचल से भी मांगी, आप अच्छे अच्छे दोस्त हो गए, आप दोस्त हैं उनको भी मैंने सॉरी मांग ली, बोलो अब मैं तो आप क्या कर सकता हूँ? नहीं कुछ नहीं करना, बस यार यहाँ पे हो तो बस जो जितने भी दोस्त हैं मेरे कभी मिलो तो बस ढंग से बात करना, इसीलिए
मैं आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि जैसे कोई भी मेरा दोस्त मिले यहाँ पे तो कभी किसी से दुश्मनी मत करना, बस प्यार से ही रहना उसे, बस यही बात करने के लिए। और हाँ, अभी मैं तो क्या बोला, मेरा आंचल का भी कुछ ही नहीं हो सकता और मैं करने वाला, अभी वो सुधर भी जाए, वो मान भी जाए अपनी गलती, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं करने वाला। आपको शादी करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, लेकिन नहीं भाई, मैं तो शादी नहीं करूँगा उससे, क्योंकि आप लोगों ने प्यार किया है, वो खुश तो वो कहीं भी शादी कर लेकिन तुम्हारे अलावा वो खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपने प्यार किया है, मुझे मालूम है प्यार क्या होता है, आपके अलावा कहीं वो खुश नहीं रहेगी, ये मैं कह रहा हूँ अपनी जबान से, क्योंकि प्यार करने वालों को मैंने देखा भी है और मैंने रियल में भी प्यार किया, ऐसा नहीं कि मैंने प्यार नहीं किया, मैंने भी प्यार किया और है अपने पास। हाँ, उसके बिना मैं भी नहीं रह सकता, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकती। हाँ, हमारे में झगड़ा ज़रूर होता है, हम लोग जब झगड़ते हैं तो एक एक महीना बात नहीं करते, पढ़ा वो झगड़ा तो सबसे होता है, पर आपको भी रखना चाहिए धीरज और आंचल को भी धीरज रखना चाहिए, क्योंकि दोनों मिलके प्यार से एक बार मिल लो और प्यार से बात कर लो आंचल से। मैं भी ख़त्म हो चुका है, सारा ख़त्म हो चुका है अभी हमारे बीच में, अभी कभी हम लोग नहीं मिल सकते। और मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ ना, ऐसी मैं किसी को नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, सब ने पूछा कहाँ जा रहा भाई, कहाँ बता दे, लेकिन मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ ना कि सपने में भी नहीं देख सकते तुम, कोई भी तुम क्या कोई भी नहीं देख सकते। और देखो, नहीं तो मेरे आप तो दोस्त हो, नहीं दुश्मन, ठीक है, लेकिन एक बार बस यार ऐसे दिल किया कि आपसे मिलने के लिए, और मैंने मिला तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी क्या बोलते हैं सुकून है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप नहीं जाओगे तो अच्छा रहेगा भाई, क्योंकि प्यार के बिना कुछ नहीं है लाइफ में, आप कहीं भी चले जाओ आज आप महसूस नहीं करोगे फिर लास्ट में यार, अरे यार मैंने आंचल से मिला होता और प्यार से बात की होती तो मैं जरूर एक बार यकीन करता, फिर आपको लास्ट में पछतावा होगा। अभी मुझे मैंने पछतावा कर लिया, जो तुम बोल रहे हो वो मैंने कर लिया है, ठीक है, अभी समय है एंड करने का, देख बस वो कर रहा हूँ भाई। देख एक अर्जुन भाई, आप बड़े हो इसलिए मैं समझा नहीं सकता, आप बड़े हो, आपने मेरे से ज़्यादा दुनिया देखी है, मैंने कम देखी है, पर तो भी एक पॉइंट बता सकता हूँ, मैंने अभी बीच में गलती की थी, मुझे एहसास हुआ ना जब मैंने सॉरी मांगी, जिस दिन आपको एहसास होगा ना यार आंचल से एक बार मिल के जाऊँ, और मैं तो यही कहता हूँ आप प्यार से जितना हल हो, जितना प्यार से हल हो सकता है आप जाओ एक बार फिर से आंचल से मिल लो और बात कर लो फ़ोन पे। हाँ, वो उसको मैंने आंचल को बताया भी है कि फ़ोन कैसे चोरी हुआ था, ये सब कांड ना पाजी का है, मैंने खुद मुझे पता है बाजी का कांड है और मैंने खुद ने देखा था, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा, जैसे ही मेरे को मालूम पड़ा एक दोस्त ने मेरे को बताया कि मैंने ये अर्जुन के साथ ऐसा ऐसा किया, जब मैंने रात को आंचल को 1 बजे कॉल किया था, कितने बजे 1 बजे आंचल को, फिर मैं बुलाया गार्डन पे, मुझे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट, फिर आंचल को क्या मालूम हुआ कि नहीं हुआ एहसास, आंचल भी कहती थी यार कि मैंने इतना बड़ा अर्जुन के साथ धोखा किया, मैंने तो आपको भी बता दिया एक बार मिल लो और बात कर लो आंचल से, क्योंकि लाइफ में झगड़ा हर किसी के आता है, ऐसा नहीं कि झगड़ा नहीं करते, एक हमने भी दो बार झगड़ा किया, क्योंकि वो ऐसा चूहा कि गलती की है भाई, तो हाँ गलती की है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, आप ही बताओ भाई। कुछ भी है, बस अभी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, बस मैं आपसे जो बोलना था आपने बोला, मेरे को बोला, मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो अभी आप बोल रहे हो वैसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, और मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। नहीं नहीं यार, ठीक है, गलती तो मैंने की थी तो मुझे माफ़ी मांगना चाहिए आपसे, और माफ़ी भी मांगी आपने, माफ़ किया मेरे लिए सबसे बड़ा वही है और कुछ नहीं। हाँ, तूने माफ़ कर लिया मेरे लिए, और दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, बस वो एक बार माफ़ कर देता ना इंसान, मुझे बस वही इतना गर्व है आपके ऊपर के जो मुझे माफ़ किया, और मैं इस गलती का एहसास ना कभी नहीं भूलूँगा, जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ी एनी टाइम मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। हाँ, मैं तो यही कह रहा हूँ आंचल को छोड़ के मत जाओ अर्जुन भाई, आप बहुत खुश रहोगे लाइफ में, उस लड़की ने भी आपसे बहुत प्यार किया है और आपका प्यार मैंने देखा, आप भी बहुत प्यार करते हैं, ये तो चलो वो आते हैं कहीं, और आपने फ़ोन पे भी मुझे बहुत बहुत धमकी दी, प्यार मुझे जब समझ नहीं आता है कि लोग प्यार कर सकते हैं, और आप इतना गहरा प्यार छोड़ के जाओगे तो आपको लास्ट में वही होगा कि अरे यार दूसरी ने ये गलती नहीं की होती तो वो अच्छा होता, फिर आप देख लो आपके हिसाब से, मैं तो आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा हक नहीं है कि मैं आपको समझा सकूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप आंचल को छोड़ के नहीं जाओगे तो अच्छा ही रहेगा और सबके लिए अच्छा रहेगा, आपके दोस्त जितने सहने वाले हैं वो भी अच्छा कह सोचेंगे नहीं कि अर्जुन भाई ने जो कदम लिया वो अच्छा ही किया। कोई नहीं भाई, सारी बात सही है, लेकिन सारा ख़त्म हो चुका है, बस अभी मुझे मैं आपको एक एडवाइस और दूँगा
पाजी का तुम्हारा कुछ बोल रहे थे कि यार घर पे बताएंगे। हाँ यार पाजी, हाँ वो भड़का रहा था मेरे पापा को बोलने वाले, तो भाई हाँ मेरे पापा को बोला तो मेरी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कोई नहीं गया घर से भी कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ। कहाँ पे जा रहे तुम? मैं ये जा रहा हूँ नाश्ता करने, आप आओगे? नहीं मैं नहीं जा रहा, आप जाओ फिर, मैं निकल रहा हूँ फिर। हाँ चलो ओके। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरी खुशी से है खुशी तेरे गम से है गम।